दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप अपना होटल शुरू करना चाहते हैं तो फिर होटल को स्टार्ट करने में आपको किस टाइप का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, किस टाइप से आप अपने होटल को रजिस्टर कराएंगे, तब वह जाकर पूरे कानूनी तरीके से रजिस्टर हो जाएगा और फिर आपको कोई भी होटल चलाने में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों कई लोग चाहते हैं कि वे अपना होटल को स्टार्ट करें और वे जानना चाहते हैं कि होटल को शुरू करने के लिए कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है, वह कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उनका जो होटल है वह पूरे कानूनी तरीके से रजिस्टर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप होटल स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको पहले अपने होटल को लीगल तरीके से रजिस्टर कराना होता है। यहाँ पर जो आपका होटल है वह प्रोप्राइटरशिप के रूप में भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर अगर आप एक से अधिक लोग हैं तो फिर आप पार्टनरशिप के रूप में, या फिर LLP के रूप में, या फिर प्राइवेट लिमिटेड के रूप में, OPC के रूप में, यानी वन पर्सन कंपनी के रूप में शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अपने होटल को प्रोप्राइटरशिप के रूप में रजिस्टर कराते हैं तो फिर आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यहाँ हर स्टेट का अलग अलग शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। वहीं अगर आप पार्टनरशिप के रूप में स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बनाना होता है और फिर उस पार्टनरशिप डीड के आधार पर पैन कार्ड अप्लाई होता है और फिर उसके बाद अपने बिजनेस को आपको रजिस्टर करना होता है। वहीं अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो फिर MCA में रजिस्टर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने होटल को रजिस्टर कराना होता है। आप अपने होटल को किस टाइप में रजिस्टर कराते हैं, आपके होटल का आखिर नेचर क्या है, वह प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, LLP है, प्राइवेट लिमिटेड है, जिस भी नेचर में आप स्टार्ट करना चाहते हैं आपको पहले वह रजिस्ट्रेशन लेना होता है। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको फूड लाइसेंस लेना होता है। जी हाँ, किसी भी तरह के होटल को शुरू करने के लिए आपको फूड लाइसेंस भी लेना होता है, फिर आपको बिल्डिंग का परमिट भी लेना होता है, और अगर आप 10 से अधिक लोग होटल में काम कर रहे हैं तो फिर आपको PF रजिस्ट्रेशन भी लेना होता है। आपको फायर डिपार्टमेंट से फायर सेफ्टी लाइसेंस भी लेना होता है। वहीं आपको अपने होटल के लिए GST नंबर भी लेना होगा, क्योंकि अगर आपका टर्नओवर हो या फिर ना हो, लेकिन जब आप होटल स्टार्ट करते हैं तो ऐसे कई सारे आपको डील्स करने होते हैं जिसमें कि GST नंबर आपको देना कंपलसरी होता है। आप उसके बिना लेन देन ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको GST नंबर भी लेना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बिना GST नंबर लिए हुए आपको पार्टी से लेन देन करने में दिक्कत आती है, तो फिर आपको यहाँ पर GST नंबर भी लेना अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति होटल शुरू करता है और वह चाहता है कि वह तामझाम ज़्यादा ना करे, सस्ते में वह अपने होटल को शुरू कर ले, तो यहाँ पर वह प्रोप्राइटरशिप रूप में अपने होटल को स्टार्ट कर सकता है। अपने उसे स्टेट के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद उसे उसके आधार पर जो वह रजिस्ट्रेशन कराएगा उसका बैंक में करेंट अकाउंट खुल जाएगा और फिर उसके बाद उसे फूड लाइसेंस लेना एकदम अनिवार्य हो जाता है। तो केवल यह 2 पेपर से भी वो अपने होटल को शुरू कर सकता है। फायर सेफ्टी परमिट भी लेना उसे फायर डिपार्टमेंट से अनिवार्य होता है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने होटल को शुरू करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी मदद से पूरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन कराएं, आप अपने बिजनेस को लीगल तरीके से, आप अपने होटल को पूरे कानूनी तरीके से रजिस्टर कराएं, तो फिर आप हमसे भी पूरा काम करा सकते हैं। आप अगर हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584 और आप हमसे वहाँ पर बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फिर हम आपके होटल को पूरे कानूनी तरीके से रजिस्टर कराकर आपको देंगे। फिर आपका भविष्य में अपने होटल को रन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको बैंक से लोन लेने का ज़रूरत भी पड़ेगा, अगर आपका पूरा पेपर ओके रहेगा, आपका होटल पूरे कानूनी तरीके से रजिस्टर रहेगा, तो फिर आपको बैंक से लोन भी आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैंने पहले भी बताया और फिर बता रहा हूँ, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र आईडी है Pritesh1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।